हेलो वन माय नेम इज दिव्या, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, मराठी वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है रान बाजारा। हमारे साथ में हमारा मराठी मानुष समृद्ध, बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी। नमस्कार, आपने नमस्कार। देखा है रान बाजार का ट्रेलर, कैसा लगा? मतलब जब मी हा ट्रेलर बघितला, ट्रेलर बघून मी बोललो मोठी कास्ट है। आणि सगळ्यात पहिली गोष्ट है प्राजक्ता माळी, मतलब देखने को बोलते ना एक क्यूटेस्ट क्वीन इन मराठी सिनेमा, क्यूटेस्ट क्वीन। जब मैंने ट्रेलर देखा एंड जब ट्रेलर बघितला एंड मी एवढं बोलेल कि ट्रेलर लुक्स प्रॉमिसिंग, अच्छा लगा। प्रॉमिसिंग कह रहे हो, मराठी माणूस समृद्ध। पहिली गोष्ट ह्यात लय मोठी कास्ट है, भयंकर। बोलतात ना असे, जेव्हा ते राजकुमार काहीतरी एक डायरेक्टर आहे, त्यांनी मोठे मोठे कास्ट घेऊन बनवायचे। अभिजित पेन्सेनी वाटतं भरपूर काहीतरी वर्षानंतर त्यांनी एक हा मराठी अशी वेब सीरीज मोठ्या कास्टमध्ये संख्यामध्ये वेब सिरीज काढली, मोस्ट अवेटेड वेब सिरीज, बोल्डेस्ट एवर वेब सिरीज इन मराठी, अँड इवन अ बोल्डेस्ट टायटल, रान बाजार, RANBAZAR। मी प्रोनाऊन्स करतोय, काय काय लोकांना ऑफेंड नको व्हायला म्हणून, रान बाजार। त्यात जो एक असा बाजार दाखवलाय पॉलिटिकलचा, जो ट्रेलर बघूनच ते कळत आहे, सचिन खेडेकर आहे, प्राजक्ता माळी आहे, आपलं मकरंद दादा आहे, मकरंद अनासपुरे, प्लस भरपूर अशी कास्ट आहे, उर्मिला कोठारे, महेश कोठारेची सून, हाय तिच्या एक डोळे, एक जशी दोन्ही डोळा मारला, आय हाय महेश कोठारेची तर वाटच लागला, आय मीन आदिनाथ कोठारेची जळणार बघायला गेलं तर। सचिन खेडेकर आहे, तो मजा आएगा मेरे हिसाब से तो। और वेब सीरीज है अभिजित पेन्सन, ऐसा उनका लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेस। उनकी जब फिल्म देखी थी रेगे, अरे क्या मास्टरपीस फिल्म बनाया उन्होंने, मतलब एक अलग लेवल का एक सिनेमा देखने मिला कि एक बच्चे के ऊपर पूरा कहानी लिखी। उसके बाद ठाकरे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ला घेतला होता, अरे मजा आ गया था वो फिल्म देख के भी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि है, लेकिन बिल्कुल इसके एक शिकायत भी है। क्या शिकायत है? तेजस्विनी पंडित, क्या मतलब, प्राजक्ता माळी उसमें दिखा, उनका एक टीजर आया था, टीजर में भी उनका एक बोल्ड सीन था, तो बहुत जन में कमेंट्स आए कि निराश कर दिया ट्रेलर में। अच्छा, लेकिन उन लोगों मतलब ट्रेलर में हाँ, क्योंकि टीजर में वो एक शॉट और एक दोनों में जो कास्ट के एक दो सीन्स दिखा है, तेजस्विनी पंडित को खुद के कपड़े उतारते हैं, अंदर पूरा बाहर का सब निकाल दिए, प्राजक्ता माळी सेक्स करते हुए दिखा है, लेकिन ट्रेलर में उसमें कुछ भी ऐसा सीन नहीं था, एक ऑफेंड वाला सीन भी नहीं था। बहुत जन बोल रहे कि इसमें क्या वो मज़ा नहीं आया। और पहली बात तेजस्विनी पंडित के बारे में बोलूँगा तो मेरे को एक्ट्रेस मेरे को जरा भी पसंद नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, पंडित नहीं पसंद है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और पहली बात देखो, उनकी एक लास्ट उनकी जो MX प्लेयर पे जो वेब सीरीज आई थी, हाँ उसमें तो पसंद आई थी आपको? मेरे को तेजस्विनी पंडित पसंद ही नहीं आएगा, मेरे को सईद अमरकर पसंद आए थे समांतर में। और सेकंड थिंग, उनका एक वेब सीरीज आई थी बीच में ही, कुछ ऐसे नाम था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, प्लैनेट मराठी भी वेब सीरीज रिलीज हुई, इतनी घटिया बनाई थी ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये वेब सीरीज भी घटिया निकले। मेरे को प्रॉमिसिंग लगा ट्रेलर, क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा है, एक बोलते हैं ना एक वो ऐसा बाजार दिखा है पॉलिटिकल का, वो पॉलिटिक्स का पूरा बाजार दिखा है, वो अच्छा लगेगा मेरे को देखने। और परिवार ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, पूरा मुंबई की स्टोरी है। और प्राजक्ता माळी को मैं देख के मैं हैरान हो गया बस। अच्छा। वो जो एक प्रोस्टिट्यूटर पे वो जो लुक पे देखा ना, मजा आ गया देख के। लेकिन जब तेजस्विनी पंडित को देखा, मतलब मजा, बोलते ना तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया, ऐसा हो गया। इतना क्यों आपको नहीं पसंद? नहीं, मुझे एक्ट्रेस तो नामचीन एक्ट्रेस है मराठी, आई नो, बट वो जो वो एक्सप्रेशन हर वो एक ही देती है रे। मतलब उसमें कुछ नयापन नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि उसके अब भी वेब सीरीज आई थी, वो मुझे इतनी घटिया लगी उनकी एक्टिंग। और तू ही रे में एक मराठी फिल्म थी, उधर भी वैसे ही, मतलब हर एक पे वही एक्सप्रेशन क्यों? ओके ओके, मतलब सेम एक्सप्रेशन देते, और वो मतलब रोती भी है ना, वैसे लगते हैं वो रोती कम है, बोलते ना वो वही एक्सप्रेशन भी दिख रही है, ऐसा लग रहा था। और अभिजीत पेन्से का थोड़ा भरोसा तो है, क्योंकि वो डायरेक्टर अच्छे हैं, डायरेक्टर पे भरोसा है, प्रोड्यूस भी उन्होंने किया, राइटिंग भी उन्होंने किया, डायलॉग्स भी उन्होंने लिखा है, तो पूरा माहौल करे, डायलॉग्स भी अच्छे हैं, पॉलिटिकल ड्रामा, यस यस, मेरे को डायलॉग्स भी बहुत पसंद आए। और वैभव मांगले, अरे उनको कैसे भूलू, वैभव मांगले नी जो एक शिवी खातली, मी शिवी नाही घालू शकत, मी एक शिवी मध्ये त्यांनी जो पोर्ट्रे केला ना भाई, मजा आ गया। आणि मकरंद अनासपुरे, अरे आपले दादा, अरे त्यांचा एक कॉल वर बघून गेला, हा हा हा, एक हसल्याचं ना मजा आलीच ती, मी खरं सांगतोय, म्हणजे त्याचा एक टॅगलाईनच आहे, त्यांचा एक तो जेस्टर त्यांचा तसा आहे। मकरंद अनासपुरे जेव्हा पण फ्रेम मध्ये, त्यांना मजा येते बघायला, कारण त्यांनी आम्ही एवढं एवढं असताना त्यांचे पिक्चर बघून आलो, त्यांचे पिक्चर बघून आम्ही मोठे झालो, मी एवढं बोलू शकतो। आणि सचिन खेडेकर ते तर लेजेंडच बोलू शकतात, बिकॉज त्यांनी प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये काम केलेलं, तेलुगू, तमिळ, मराठी, बॉलिवूड,
चार चार लैंग्वेजेस में इतने पिक्चर वाले काम किए, तो सोच सकते हो ये बंदा नेक्स्ट लेवल पे आएगा। तो ये वेब सीरीज पे मुझे तो लगता है कि मज़ा आएगा वो देखने के लिए, और मज़ा आएगा। और सबसे पहली अच्छा बार उर्मिला अच्छा लगा, ट्रेलर तो मुझे प्रॉमिसिंग लगा, अच्छा लगा मुझे। लेकिन जब उर्मिला कोठारे का एक आंख मारा ना, वो जो एक वाले में मानुस घायल हो गया, मैं घायल तो हो गया, लेकिन वो जब एक दो साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था आंख मारने वाला सीन, साउथ के वो फेल हो गई वो उर्मिला के सामने, प्रिया वारियर वो उसके सामने ये फेल हो गई। मैं तो बोल रहा हूँ मजा आ गया। मैं तो मैं लेकिन यस मदर के ट्रेलर के लिए कितने स्टार दे? देखो टाइटल ये जो बनाया ना, मैं वो टाइटल के मैं 5 out of 5 दूंगा। ओके क्योंकि वो बता बोलते ना सोच समझ के वो टाइटल लिखा है, और वो जो टाइटल रजिस्टर करते हुए भी अजित पेंसे को बारे हॉट सॉफ्ट है। okay. और ट्रेलर को मैं दूंगा 5 out of 4, मतलब 4 out of 5। ट्रेलर के लिए, टाइटल के लिए 5 out of 5 दिया हमारे मराठी मानुष समृद्ध ने। आप देखोगे वेब सीरीज? यस, अरे ऑफ कोर्स, मराठी मराठी बघा कुछ ही गोष्ट मराठी चा कुछ ही व्याख्यान असू दे, मराठी माणूस जरूर देखेगा। क्या बात है, आएंगे हम आपके पास में। कब रिलीज हो रही है? 20th of May को रिलीज होने वाली है। तेपन दोपहरे 1 च्या नंतर, 1 च्या नंतर आपके पास में आपका ऑनेस्ट रिव्यू और रिएक्शन जानने के लिए ऑन द अपकमिंग बोल्डेस्ट एवर मराठी वेब सीरीज। नाम है रान बाजार, RANBAZAR। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।